आज के इस वीडियो में हम डीमन स्लेयर के टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड डीमन आर्ट्स के बारे में जानेंगे और नंबर 3rd में जो कैरेक्टर है उसकी एबिलिटी देखने के बाद तुम लिटरली यकीन नहीं कर पाओगे और वीडियो पर अंत तक बने रहना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हमारा आता है अपर मून 6 काइगाकू। काइगाकू हमारे ज़ेनित्सु का फॉर्मल क्लासमेट होता है और इन दोनों ने एक ही टीचर के अंडर ट्रेनिंग लिया होता है। एक ही तरीके से ये समझ लो इसका ब्रीदिंग स्टाइल ही इसका ब्लड डीमन आर्ट है। सही सुना, इसका ब्रीदिंग स्टाइल ही इसका ब्लड डीमन आर्ट है, क्योंकि इसके ब्लड डीमन आर्ट से ये थंडर ब्रीदिंग को ब्लैक थंडर ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि और भी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये अपने ह्यूमन फॉर्म में नॉर्मल थंडर ब्रीदिंग का यूज करता था, लेकिन अपने डीमन फॉर्म में ये अपने ब्लड डीमन आर्ट को मिला के ब्लैक थंडर ब्रीदिंग का यूज करता है, जो कि इसको और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और उसके ब्लड डीमन आर्ट से वो अपने थंडर ब्रीदिंग के फॉर्म को और भी ज्यादा एक्यूरेटली और परफेक्टली यूज कर सकता है। लेकिन और एक चीज जान लो, काइगाकू सभी थंडर ब्रीदिंग के फॉर्म्स को यूज करना जानता है सिवाय एक को छोड़ के, जो कि है थंडर स्लैप और थंडर फ्लैश, जो कि थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन आखिर में इन सब का फायदा ही क्या, लास्ट में तो ज़ेनित्सु के हाथों ही पहला ही गया ना। तो काइगाकू के बारे में तो जान लिया, वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को कैसे यूज करता है। तो अब बात करते हैं मेरे फेवरेट डीमन के बारे में, जो कि है अपर मून 3 अक्काजा। तो अक्काजा का ब्लड डीमन आर्ट है डिस्ट्रक्टिव डेथ, जिसे कि हमने फर्स्ट टाइम देखा था मुगेन ट्रेन आर्क में, जहाँ पर कि अक्काजा इसे रनगोकू के अगेंस्ट यूज करता है, जिसे कि यूज करके अक्काजा ने रनगोकू का डोनट बना दिया था। सॉरी मुझे माफ कर देना। तो आप जानते हैं अक्काजा के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में। तो जब अक्काजा अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है, तब वो किसी भी वेपन्स का यूज नहीं करता, क्योंकि वो मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यूज करता है, जिसकी वजह से वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को जब एक्टिवेट करता है तब उसके मार्शल आर्ट टेक्निक्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन अक्काजा के पास और एक ब्रोकन एबिलिटी है, जो कि है अक्काजा किसी ह्यूमन और डीमन का फाइटिंग स्पिरिट को देख सकता है, जो कि उसे हेल्प करता है फाइट के अंदर, जिसकी वजह से उसे पता रहता है वो एनिमी उसके ऊपर क्या अटैक करने वाला है। मतलब एक्यूरेटली नहीं जान सकता, लेकिन वो प्रेडिक्ट जरूर कर सकता है, और इसी एबिलिटी की मदद से ही वो रनगोकू को हरा पाया। लेकिन इस एबिलिटी के बारे में हमको पता चलता है इन्फिनिटी कैसल आर्क में। लेकिन और एक चीज के बारे में जान लो, अक्काजा का सिर काटने के बाद भी वो बंदा लड़ रहा था। तो सोच सकते हो हमारा अक्काजा कितना ज्यादा पावरफुल है। वो ऐसे ही अपर मून 3 नहीं है। तो अक्काजा के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में तो जान लिया, तो अब बात करते हैं सबसे ज्यादा हरामी डीमन के बारे में, जो कि है अपर मून 2 डोमा। तो डोमा का ब्लड डीमन आर्ट है क्रायोकिनेसिस, जो कि आइस मैनिपुलेशन है। इसका वोकल डीमन स्लेयर में बहुत है, क्योंकि डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से आइस को मैनिपुलेट कर सकता है, और वो बड़े बड़े स्टैचूज को भी समन कर सकता है, और वो उन स्टैचूज से अटैक भी करवा सकता है, जो कि एक ब्रोकन ब्लड डीमन आर्ट है। तो डोमा के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में तो जान लिया, तो अब बात करते हैं अपर मून 1 कोकोशिबो के बारे में। तो हमारा कोकोशिबो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो ऐसे ही अपर मून 1 नहीं बना, क्योंकि कोकोशिबो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि कोकोशिबो ही एक ऐसा लौता डीमन है जिसके के पास ब्रीदिंग स्टाइल और ब्लड डीमन आर्ट दोनों ही अलग अलग है। सही सुना, तो वो यूज करता है मून ब्रीदिंग, जिसके की 16 फॉर्म है, और उसका ब्लड डीमन आर्ट है क्रिश्चियन मून ब्लेड, जिसकी मदद से वो मून टाइप्स के ब्लेड्स को बना के अपने ब्रीदिंग स्टाइल में मर्ज करके उसको यूज करता है, जो कि उसको अनटचेबल बना देता है। और एक बात जान लो, उसकी निचेरिन ब्लेड उसकी स्किन से बनी है, जिसकी मदद से वो अपने निचेरिन ब्लेड को रीजेनरेट कर सकता है, नहीं तो छोटा या बड़ा बना सकता है, जिसकी वजह से एनिमी को उसके निचेरिन ब्लेड और उसके मून ब्लेड से बचना होगा। अगर नहीं कर पाया तो उसका किटकैट बन जाएगा, जस्ट लाइक गोजो। आखिर में इन सब का फायदा ही क्या, योरीची को तो सरपास ही नहीं कर पाया ना। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो यहीं पर वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही लॉन्ग वीडियोस लाता रहूं। तो मैं आपसे बाद में मिलता हूं। तो आ रहा सायोनारा।